तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बस। तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आऊंगा बहुत सारी न्यूज़ WWE वर्ल्ड से रिलेटेड। बहुत सारी रेसलिंग की आज न्यूज़ आ रही है, इंक्लूडिंग ब्रे वाइट का रिटर्न कब होगा, प्लस निकी बेला और ब्री बेला मतलब बेला ट्विंस के यहाँ पे रिटर्न होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि समर स्लैम का इवेंट रेसलमेनिया से भी बड़ा होने वाला है इस साल, और इस बार होगा रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच। और ऐसा क्यों होगा मैं आपको इस यहाँ पे वीडियो के एंड तक आपको पक्का बता दूंगा। तो जल्दी से अपनी वीडियो पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फीड मतलब ब्रे वाइट के रिटर्न से लेकर। अब देखिए, फीड हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दी जब से रेसलमेनिया में उनका मैच हुआ, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका रिटर्न होगा समर स्लैम में। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है मैं आपको बता दूं, ट्विटर पे WWE ने यहाँ पे पोस्ट शेयर किया जहाँ पे उन्होंने कहा है कि समर स्लैम कहाँ पे होगा और उसका वो कहाँ से शुरू होगा और क्या क्या मैचेस होंगे। मतलब उन्होंने बेसिकली पोस्टर सा शेयर किया और उसके नीचे ब्रे वाइट ने मतलब फीड ने कमेंट कर दिया अपने यहाँ पे मतलब जिफ के साथ जिसमें वो हंस रहे हैं। भाई क्या ये हमें एक यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है कि यहाँ पे वो आने वाले समर स्लैम में, या फिर उन्होंने बस हाइप करने के लिए ऐसा किया है? मेरे ख्याल से ऐसा होने वाला है कि समर स्लैम में उनकी एक छोटी सी अपीयरेंस तो हमें जरूर दिखाई देगी, हो सकता है वो किसी पे अटैक कर दें। बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से लेके। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जब यहाँ पे विंस मैकमैन है वही ब्रॉक लेसनर से बात करेंगे और उनको क्या मनी देनी है, क्या क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो सारी विंस मैकमैन खुद बात करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये कहा जा रहा है कि समर स्लैम में उनके रिटर्न होने के कम चांसेस हैं, और चांसेस ये भी हैं कि जब वो रिटर्न करेंगे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच तो होना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉल हेमन है रोमन रेंस का जो कि पहले ब्रॉक लेसनर के साथ है, तो उनका मैच होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि पहले अगर कोई मैच होगा तो होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच, और ये मैच होने के चांसेस अगर समर स्लैम में वो आते तो हो सकता है ये वाला मैच हो। तो भाई इसके बहुत ज्यादा रूमर्स आते हैं कि ये वाला मैच पहले होगा, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच बाद में होगा। बात करते हैं एलिस्टर ब्लैक और बिग ई के बारे में। अब काफी लोग मेरे से पूछे थे यार यहाँ पे काफी सारे ऐसे न्यूज आ रही है एलिस्टर ब्लैक वापस आने वाले। जी हाँ, ऐसा सही है कि एलिस्टर ब्लैक को यहाँ पे बहुत ज्यादा लापरवाही में निकाल दिया गया था। उनके लिए एक्चुअली में यहाँ पे स्टोरी लाइन थी, पर उनको बहुत ही प्री मैच्योर तरीके से यहाँ पे निकाल दिया गया था। लेकिन अब डिमांड उनकी हो रही है कि उनको वापस बुलाया जाएगा, और बिग ई जो उनके यहाँ पे इतने बड़े यहाँ पे फ्यूड होने वाली थी उन दोनों की, बिग ई के पास भी कोई वर्दी यहाँ पे स्टोरी लाइन नहीं है विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग, जिसको एक्चुअली बिग ई उस स्टोरी लाइन में डाल सके। और एलिस्टर ब्लैक ही वो ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी आपस में यहाँ पे स्टोरी लाइन बन सकती थी, तो इसीलिए एलिस्टर ब्लैक को वापस लाना बहुत ज्यादा जरूरी ताकि उनकी एक अपनी एक स्टोरी लाइन बन सके। तो एलिस्टर ब्लैक हमें हो सकता है बहुत जल्दी यहाँ पे दिखाई दे। वैसे तो ये रूमर्स है, पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स है। बात करते हैं बेलास की। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि निकी बेला और ब्री बेला वापस आने वाली है। ऐसा क्यों? ब्री बेला का एक इंटरव्यू है, उसमें वो कहती है कि भाई जब मेरा 2014 में समर स्लैम में मैच हुआ था ना स्टेफनी मैकमैन के अगेंस्ट, तो स्टेफनी मैकमैन के यहाँ पे बहुत मतलब तीन बच्चे थे जो कि उनको देख रहे थे मैच लड़ते हुए, और जैसे ही मैच खत्म होता है तो वो तीनों जो बेटियाँ थी उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन को देखा और उन्हें लगा कि वो उनकी सुपर हीरो है। तो अब जो जब उनकी खुद की बेटी हो चुकी है तो वो चाहते हैं कि मेरी बेटी में ऐसे हम मुझे लड़ते हुए देखे, तो मैं अपना रिटर्न करूँगी। मैं कब करूँगी मुझे नहीं पता और मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगी। और निकी बेला का भी यही है कि वो भी वापस आ सकते हैं। तो भाई बेला ट्विंस हमें बहुत जल्दी दिखाई देंगी। बात करते हैं अपनी मेन अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के मैच की, जो कि होगा समर स्लैम में। बेसिकली कहा जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर की यहाँ पे स्टोरी लाइन चलने वाली है बॉबी लैशली के साथ, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हाई चांस है कि जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच होगा, क्योंकि जो समर स्लैम का इस साल का इवेंट है ना वो रेसलमेनिया से भी बड़ा करने वाली है WWE, ऐसे चाहती है कि बड़ा हो वो बहुत ज्यादा इवेंट। और टिकट बिकवाने का उनका एक ही मैच होगा जो टिकट बिकवा सकता है बहुत ज्यादा, वो है जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का, क्योंकि दोनों ही फेस ऑफ द कंपनी रहे हैं, जॉन सीना रहे हैं और रोमन रेंस हैं अभी। तो बहुत ज्यादा चांस है कि उनका मैच हमें दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे लाके दे देता हूँ। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।